क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस एक्सरसाइज को मैं रीशूट कर रहा हूँ 7.1 को, और मैं बाकी चैप्टर को भी रीशूट करूँगा क्योंकि जो पहले के वीडियोस होते थे ना वो ब्लरी ब्लरी और उसकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी ख़राब थी। तो मैं इन वीडियोज़ में थोड़ा और अच्छे से इम्प्रूव कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा और ईजी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इन पर भी अपना प्यार ज़रूर देना। चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो पहले जान लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो देखो, जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, ठीक है ना, वो क्लास 9th पे आप पढ़ के आए हो, है ना, जो कार्टेशियन सिस्टम है। अपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3rd पढ़ा होगा ना, उससे रिलेटेड करते हैं पहले। तो उसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो मैं फटाफट बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाला जो ये फर्स्ट टाइप का होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट फिक्स करो। इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं, और इसका जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट पे भी 0 होता है। ये एक्स एक्सिस है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और इधर हम बोलते हैं एक्स डैश, नेगेटिव डायरेक्शन में। इधर एक्स की वैल्यू प्लस की होगी, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ होगा तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3। इधर वाई, ये वाई एक्सिस है, वाई की वैल्यू प्लस में होती है, इधर वाई की वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 1 होगा, माइनस के 2, इधर प्लस के 1, प्लस के 2, ठीक। आर एस में ये क्वाड्रेंट कितने, देखो 1, 2, 3, 4। सबसे पहले चीज़ तो देखो पॉइंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट में पहले आता है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर आता है वाई कोऑर्डिनेट, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को जब एक साथ लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू प्लस में होती है, वाई की वैल्यू ऊपर प्लस में होती है, तो यहाँ होता है प्लस प्लस, और इसे बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं, हाँ ना समझ में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, तो इधर क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इधर x की वैल्यू भी पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये होता हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के बारे में पता चल गया हमें, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन हमसे आ जाता है, नोट, 1 मार्क्स में जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, MCQs वाले प्रॉब्लम में आ सकता है। जो पॉइंट होता है हमारा, हमारा जो पॉइंट होता है एक्स और वाई होता है, सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया मैंने 3। सो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, एप्सिका, ठीक है। हालांकि मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंस वही है, इसे एप्सिका बोलते हैं, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को, ये जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, इस वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट, क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डिनेट है, अगर क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट दे दिया जाए, सपोज करो 1 और ये -2 लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एप्सिका है, और ये मेरा क्या है, ऑर्डिनेट है, ठीक है। सो आपको एप्सिका निकालना भी आ गया, ऑर्डिनेट निकालना भी आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में, ओके। अब और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बेसिक्स में बताना चाहूँगा। देखो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाएंगे, फॉर एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के लिए बात हो रही है तो वहाँ पर वाई एक्सिस की बात नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, इट्स इम्प्लाइज कि वाई बराबर 0 होगा। यानी कि अगर पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाए, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बात हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में वाई आपका क्या होगा, 0।
अगर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के लिए बात हो रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ज़ीरो। तो इस हिसाब से जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, y, क्योंकि एक्स हमारा ज़ीरो है, ठीक है, वाई कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, आया समझ में? ओके, अच्छा अब और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम प्रॉब्लम में मिलेगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? व्हाट इज़ कोलिनियर? अगर आपसे कोई पूछे भाई कोलिनियर क्या होता है, बता सकते हैं? सो, कई बच्चे क्वेश्चन को रट लेते हैं, कोलिनियर वाले प्रॉब्लम को। हमें रटना नहीं है, रटने वाले सिस्टम से तो हमें दूर रहना है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम लाइन। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स की बात होगी वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। जैसे मेरे पास तीन पॉइंट है ना, ये तीन पॉइंट है, तो ये कोलिनियर कब होंगे? जब ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे, एक ही सीध पे होंगे और एक ही लाइन के ऊपर रहेंगे। तीन पॉइंट की बात कर रहे हो, चारों पॉइंट पे भी हो सकता है, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, जितने भी पॉइंट की बात करें, इट डजेंट मैटर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो सभी एक ही लाइन पर लाई करेंगे। आपके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम आता है वो जनरली तीन पॉइंट्स के लिए कोलिनियर के चेक करने के लिए बोलता है। देखो, ये कोलिनियर का पता कैसे लगाओगे भाई मैथमेटिकली? अगर इस क्वेश्चन पहले वाले पार्ट के लिए बात करूं भाई मैथमेटिकली, क्योंकि आपको मैथमेटिकली चेक करना अब कैसे पड़ेगा? मैथमेटिकली क्या होगा? ये छोटा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, अगर ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाए? ए सी के, तब क्या होगा? कोलिनियर। अगर इक्वल आता तो कोलिनियर होगा, अगर इक्वल नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये ए बी क्या है, ये बी सी क्या है, वो चीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना आया समझ में कोलिनियर का कॉन्सेप्ट? ठीक है, आप बोलोगे सर तीन के लिए होता है, आप क्या चार के लिए बता सकते हैं? चार के लिए भी बता सकते हैं। और चार के लिए अगर मैं बताऊँ तो इधर आ जाऊँ, ये लिखो, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है। चार पॉइंट के लिए क्या होगा? इफ़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किसके इक्वल होना चाहिए? बड़े वाले ए डी के इक्वल। अगर ऐसा होता है तब वो कोलिनियर होगा। ठीक है, ऐसे देखा जाता है, मतलब जितने पॉइंट्स होंगे, तीन है तो छोटे वाले दो का सम बड़े वाले एक सम के इक्वल होगा, चार पॉइंट है तो तीन तीन इधर आएंगे, एक बड़ा वाला उस तरफ होना चाहिए, तीन छोटे छोटे जो डिस्टेंस होंगे उनको ऐड करोगे बड़े वाला डिस्टेंस के इक्वल आएगा, तब वो आपका क्या होगा? कोलिनियर होगा। ठीक, ये चीज़ भी हो गई। अच्छा, कोलिनियर के केस में, इन केस ऑफ कोलिनियर, ये सब लिख लेना भाई, इन केस ऑफ कोलिनियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये लिख लेना, ये लिख लेना। क्यों? क्योंकि अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है, यानी एक लाइन बनेगी, ट्राइंगल फॉर्म होगा क्या? ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं तीन पॉइंट, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो ट्राइंगल जब बन ही नहीं रहा है तो एरिया कहाँ से आ जाएगा? इसीलिए जब भी बात होगी कोलिनियर के लिए तो हमेशा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आ गई कॉन्सेप्ट समझ में। अब मेन चीज़ पे आते हैं, टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है,
दो पॉइंट्स कहीं पे भी हो सकते हैं। सपोज करो एक पॉइंट यहाँ है पी और एक पॉइंट यहाँ है क्यू, ये इनके बीच की डिस्टेंस हुई, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ये हुई, ठीक है। जनरली इसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी क्यू। शॉर्ट में इतना नहीं लिख के जब न्यूमेरिकल करेंगे ना डायरेक्ट ये पी क्यू भी लिखोगे तो इसका मतलब ही यही हुआ कि पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस। सपोज करो पी पॉइंट आपका है एक्स वन कॉमा वाई वन और क्यू पॉइंट है आपका एक्स टू कॉमा वाई टू, ठीक है। तो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होगा, यह होगा देखो एक्स वन माइनस के एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। और या तो ये लिखो या फिर आप ये भी लिख सकते हो, x1 में से x2 माइनस करो या फिर x2 में से x1 माइनस करो, इट डजेंट मैटर बिकॉज ऊपर क्या लगा पड़ा है स्क्वायर। अगर नेगेटिव का भी आएगा तो उसे स्क्वायर करने पर मिलने का आपको क्या पॉजिटिव। तो फॉर्मूला चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सर ये लगाऊं या ये लगाऊं, कोई सा भी लगाऊं आपको आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को तो आप याद कर लो, ये बहुत काम का है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, हो गया। तो जितना भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर का वो हमने जान लिया है, 7.1 के लिए जितना भी हमें चाहिए था वो अभी हमने जान लिया है, ठीक है। और इसकी जितने भी एग्जांपल्स है ना भाई वो आप खुद ही कर लोगे, जब हम एक्सरसाइज कर लेंगे ना तो ये एग्जांपल आपके लिए एकदम बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो एग्जांपल मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, एग्जांपल आप एक्सरसाइज 7.1 को हम कर रहे हैं, अभी करने के बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगे। तो बेसिक्स अभी हमने पढ़ लिया है, अब हम आए इस एक्सरसाइज 7.1 में। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अब एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें इन पेयर ऑफ पॉइंट्स की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट। लेट जो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट पी हमें क्या दे रखा है 2.3, दूसरा पॉइंट क्यू हमें दे रखा है 4.1। ये यहाँ पर एक पॉइंट है, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, इनके बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। कोई फर्क नहीं, समझ में आया। इसे हम क्या बोलेंगे x1, इसे हम बोलेंगे y1, इसे हम बोलेंगे x2, इसे हम बोलेंगे y2, ठीक है। सब कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए लिख दिया। अब लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, दैट इज पी क्यू। प्रॉपर तरीके से लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लो एक बार, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये लगाओ या ये लगाओ इट डजेंट मैटर, दोनों में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स वन कितना है 2 माइनस एक्स टू कितना है 4, वाई वन है 3, वाई टू है 1 स्क्वायर। 2 में से 4 माइनस करोगे माइनस 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। कभी भी नेगेटिव हो और आप पावर में अगर इवन होते हैं ना तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 2 2 4, तो कितना आ गया 8। 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा 2√2 यूनिट्स। स्क्वायर रूट निकालना आता होगा, आई थिंक सभी को आता होगा, नहीं आता तो एक बार देख लीजिए। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, इसका पेयर बना तो बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह गया, ठीक।
या है समझ में? तो ये पार्ट भी हो गया आराम से। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। बस वही चीज़ है, बस पॉइंट्स को चेंज कर दिया है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये मेरा एक्स वन वाई वन, ये मेरा एक्स टू वाई टू। ऐसे जब लिख लेते हैं ना तो कैलकुलेशन करते वक्त वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बच्चों की तरह ही सही लिख लिया करो। तो हमें डिस्टेंस निकालना है पी क्यू। अब दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर, है ना, इससे भी आंसर आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स टू कितना है भाई, माइनस के वन, ये माइनस, एक्स वन कितना है, माइनस फाइव। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या पता है, माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी है और ये वैल्यू हम रखेंगे तो माइनस इन टू माइनस क्या होता है, प्लस। तो जब भी आप वैल्यू माइनस कर रखो तुरंत यहाँ क्या कर दो, प्लस। ठीक, वाई टू कितना है, तीन, वाई वन कितना है, माइनस के सेवन, सॉरी सिर्फ सेवन, सेवन है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब देखिए, पाँच में से एक माइनस करेंगे तो फोर का स्क्वायर, तीन में से सात घटाएंगे तो माइनस फोर का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, सोलह, ये भी आ जाएगा सोलह। ठीक है, यानी कि बत्तीस, बत्तीस को ले सकता हूँ सिक्सटीन इंटू टू, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट कितना होता है, फोर, एंड टू का स्क्वायर रूट होता है नहीं तो रूट के अंदर रहा यूनिट्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, पी पॉइंट हमें दे रखा है ए बी, क्यू पॉइंट हमें दे रखा है माइनस के ए माइनस के बी। जैसे मैं फिगर बना के कर रहा हूँ ना, ऐसे आप भी फिगर बना के करना, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ पी क्यू, पी क्यू का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो वही नियम यहाँ पर लिख लो, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है, ये वाई टू है। फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। देखो, जितनी बार फॉर्मूला आप लिखोगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि लिखने से ज़्यादा चीज़ें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। प्रैक्टिस हो जाने के बाद अगर हमें याद भी नहीं रहता ना तो पेन अपने आप में चलने लगता है भाई। अगर आप एक बार लिख लिख के करते रहोगे ना तो जब आप पेन पकड़ोगे ना तो पेन आपका अपने आप भागेगा कि भाई ये मेरे को लिखना है। तो प्रैक्टिस का ये फ़ायदा है। एक्स टू कितना है, माइनस के ए, एक्स वन कितना है, ए। ठीक, प्लस वाई टू कितना है, माइनस के बी, वाई वन कितना है, पी स्क्वायर, माइनस ए माइनस ए माइनस के टू ए का स्क्वायर, माइनस के टू बी का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, बी का बी स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन है भाई, फोर कॉमन है, अंदर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है, टू, एडिशन में है ये चीज़, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में होने पर नहीं निकलता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट अंदर ही रहेगा। हाँ सर, इतना ही यूनिट्स। तो बताइए, आया समझ में, बहुत ही सिंपल था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं आई हमें। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन करके रखा है ना, ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाऊँ। कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 00 एंड 36, 15। ठीक है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 हमें देखना है एनसीईआरटी में,
वहाँ ए और बी दो टाउन है, उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें फाइंड करनी है। तो चलो पहले यहाँ से ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इस पार्ट में आएंगे। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में लेट जो पहला पॉइंट है वो ए है, जो दूसरा पॉइंट वो बी है। डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी। अब मैं फॉर्मूला तो आपको रट चुका है ना, वैल्यू रख रहा हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, माइक दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब 36 का जब आप स्क्वायर करोगे ना, 36 माइनस ज़ीरो क्या होता है, 36 का स्क्वायर 15 माइनस ज़ीरो का होता है 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर मतलब 36 को 36 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तो आपको मिलेगा इतना। एंड 15 का स्क्वायर का मतलब 15 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 225। और इसको जब ऐड करोगे तो आप मिलेगा 15 2 1। अब स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए भाई, है ना। स्क्वायर रूट निकालना अगर नहीं आता तो बताना, मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना रखा है इस टॉपिक पर, देख लेना। तो जब 15 को स्क्वायर रूट निकालोगे, स्क्वायर रूट का मतलब 39 को जब आप 39 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 15 2 1 आएगा, एक पेयर बना। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 39। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें आंसर ये मिलेगा 39। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में। 7.2 ढूंढो कहाँ है, ये 7.2 दिख रहा है। ये हमारा टाउन ए है, ये हमारा टाउन बी है। टाउन ए के बीच की दूरी कितनी है, और ए पोजीशन क्या है 4.0, बी पोजीशन क्या है 6.0, इनके बीच की हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। ठीक है ना, चलिए पार्ट टू। टाउन ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है 4.0, और यहाँ पर टाउन बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 6.0। इन दोनों टाउन के बीच की क्या निकालनी है हमें, डिस्टेंस। ठीक है, तो इसे हम एक्स वन बोलेंगे, इसे वाई वन, इसे एक्स टू, इसे वाई टू। डिस्टेंस क्या होता है, ए बी, फॉर्मूला वही पता ही आपको, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू है 6, एक्स वन है 4। ठीक है, वाई टू है 0 माइनस 0, 6 माइनस 4 है विच इज़ 2 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 2, 2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। हो गई ये चीज़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ओके। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, लेट हमारे पास ए पॉइंट क्या है 1.5, बी पॉइंट हमारे पास है 2.3, एंड सी पॉइंट हमारे पास है माइनस के 2.-11। ठीक है, सो तीन पॉइंट या तीन डिस्टेंस निकालने हैं। तो छोटे दो डिस्टेंस बड़े वाले डिस्टेंस के अगर इक्वल आता तो कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, पहले ही मैं बता चुका हूँ। सो पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ठीक है,
फॉर कोलिनियर वी नीड टू शो ओनली कि जो दो बड़े वाले होंगे ना, सपोज जो दो छोटे वाले होंगे ए बी प्लस बी सी, वो किसके कुल होने चाहिए? ए सी के, ठीक है। देर फुट तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी का मतलब ए और बी के बीच की डिस्टेंस, तो ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है ना, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर वाई टू माइनस वाई वन, टू में से वन गया वन का स्क्वायर, थ्री में से फाइव गया माइनस टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, यानी कि रूट फाइव। ठीक है, क्या मिल गया? पहला रूट फाइव। ठीक है, पहला तो हमें रूट फाइव मिल गया, ए भी निकला। अब क्या निकालो? बी सी। अब ये एक्स वन है, ये वाई वन, ये एक्स टू है, ये वाई टू, टू माइनस के एक्स वन, वाई टू माइनस के वाई वन, टू माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर्टीन का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, चौदह का स्क्वायर 196, यानी कि 212 यूनिट्स। ठीक, एंड नेक्स्ट निकालेंगे एसी। ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, इन दोनों की बात हो रही है अब। तो ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है। शूट फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस के एक्स वन, वाई टू माइनस के वाई वन, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन, सोलह का कितना होता है? सिक्सटीन का स्क्वायर 256। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 265। अब आप देखिए खुद, छोटे दो कौन से हैं? ये छोटे दो हैं, इन छोटे दो को अगर ऐड करेंगे तो बड़ा वाला आएगा कभी? सिंस पहली बात तो ये इसके साथ ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि इरेशनल नंबर है ना ये। इरेशनल सेम टाइप के इरेशनल ऐड होते हैं, माइनस होते हैं, लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, माइनस होते हैं इरेशनल नंबर में, और ये बड़ा है तो इन दोनों का जो एडिशन है वो इसके इक्वल कभी नहीं आएगा। दैट मीन्स सिंस ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर इट इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कोलिनियर कभी नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? ये कोलिनियर कभी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर पे आओ। कह रहे चेक वेदर, ये जो तीन पॉइंट्स हैं आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। भाई आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनमें दो जो डिस्टेंस होते हैं, मतलब ट्राइंगल में तो तीन साइड्स होते हैं, दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, तभी आप क्या बोलते हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक, तो देखो अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाओगे ना ऐसे, कोई से भी दो डिस्टेंस अगर बराबर आ जाएंगे, कोई से भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाता है, तीनों इक्वल नहीं होना, तीनों आएगा तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल हो जाएगा। कोई दो इक्वल आने चाहिए, कोई दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाती हैं, इफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल देन इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो रहेगा इस क्वेश्चन में। तो देखिए तीन डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ए बी बी सी सी ए। ए कितना है हमारे पास क्वेश्चन में? फाइव कमा माइनस टू। बी हमारे पास है सिक्स कमा फोर,
और सी हमारे पास है 7, -2। कोई दिक्कत नहीं, नो ए भी निकालेंगे। फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 6, -5 का स्क्वायर 4। देखो ये माइनस है तो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया, 6 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 टू 6 का स्क्वायर। तो ए बी जब हमने निकाला तो हमें कितना मिला, 37 यूनिट्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी सी। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिक्स 36, 37। ठीक है, 37 यूनिट्स आ गया, ये भी हो गया। अब बीस ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब क्या निकालना पड़ेगा, ए और सी। अब ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखिए 7 - 5 का स्क्वायर - 2 - 2। माइनस है यहाँ पर तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का स्क्वायर। 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर - 2 + 2 = 0 का स्क्वायर। यानी कि 4 + 0 कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 यूनिट्स। अब देखो 3 डिस्टेंस निकाल दिए, उन्हें 2 बराबर आने चाहिए थे, 2 इक्वल आने चाहिए थे। तो रूट 37 यूनिट्स इसका भी और इसका अलग है। अब लिखोगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, इन दोनों का जो है वो 37 यूनिट है, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर 7.8। चंपा एंड जमेली वॉक इन टू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। चंपा आक्स जमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपको तुम्हें यही लगता है कि जो ए बी सी डी है अगर इनको मिलाओगे तो ये एक स्क्वायर होगा, इनके बीच के डिस्टेंस को मिलाओगे तो, है ना। चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ठीक है, तो बोल रही है कौन सही है वो आपको बताना है, चमेली सही है या चंपा सही है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखो ये, देखो ये 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ओरिजन है। ये हमारा क्या है, ओरिजन है। इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजन बोलते हैं या फिर सेंटर बोलते हैं। इसे आप सेंटर बोलो या फिर इसे आप ओरिजन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो ये ओरिजन है, इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। सो कोऑर्डिनेट तो पहले पता करने पड़ेंगे ना, जब आप वैल्यू निकालने जा रहे हो तो कोऑर्डिनेट पता करने पड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट देखिए, ये वाला देखोगे एक्स पे कितना गया 3 और वाई पे कितना गया 4। तो ये वाला पॉइंट कितना है 3, 4। डी पे बात करो, एक्स पे कितना गया 6 और वाई पे कितना गया 1, 6, 1। सी पे देखो, सी पे गया 9, एक्स ये 9 और ऊपर कितना गया 4, तो ये पॉइंट है 9, 4। और बी पॉइंट देखो कितना गया, एक्स पे 6 और वाई पे कितना 7, तो 6, 7। ठीक है, सो अगर पॉइंट्स की मैं बात करूं
करना। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, फिफ्थ पॉइंट्स आठ। ए हमें कितना मिला, ए मिला हमारे पास 3.4। बी मेरे को कितना मिला, 6.7। सी मेरे को मिला 9.4 और डी मेरे को मिला 6.1। ये मेरे चार पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये चार पॉइंट्स हैं, ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। इफ इट इज स्क्वायर, अगर ये एक स्क्वायर है, इफ इट इज अ स्क्वायर देन वी मस्ट हैव, देन वी मस्ट हैव, हमें हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ज़रूर मिलेगा कि जो ए बी की डिस्टेंस होगी, जो बी सी की डिस्टेंस होगी, जो सी डी की डिस्टेंस होगी और जो ए डी की डिस्टेंस होगी, वो चारों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। एंड जो डायगोनल है बी डी और जो डायगोनल है ए सी, वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये बीच की डिस्टेंस आप इक्वल दिखा देते हो तो आप सही हो, फिर ये स्क्वायर होगा, वरना स्क्वायर नहीं होगा। आप कहोगे सर चारों साइड्स इक्वल होने पर तो ये स्क्वायर होता है, तो ये बीच का क्यों निकाल रहे हो, आप गलत हो। फिर अगर वो कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठा पड़ा है तो वो गलत हो। क्यों? क्योंकि चारों साइड जो होता है ना, इसका भी इक्वल होता है। इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रा मैंने इसको नाम बताना। ठीक है, लेकिन स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, हाँ, और इनमें जो होता है ना एंगल, ये 90 डिग्री का नहीं होता, और ये जो डायगोनल वो भी इक्वल नहीं होते। इसे हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो चारों साइड्स अगर इक्वल आ जाएं तो इट डजंट मीन कि वो स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर तभी होगा जब उसका डायगोनल के डिस्टेंस भी इक्वल हो। ठीक है, तो तभी मैंने ये पूरा डिटेल में लिखा है। आपको जैसे एग्जाम में लिखना, मैं उसी तरीके से करा रहा हूँ, एकदम प्रॉपर वे में। ठीक है, सो देखिए हम एक एक करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम एक एक करके डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये चारों डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। यहाँ देखिए, इधर ए बी फार्मूला तो आपको पता ही है, ए बी के लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, 6 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, तो ये कितना गया, 9 + 9 यानी कि 18। 18 का स्क्वायर रूट होता है 3√2 यूनिट्स। तो ये मेरे को मिला ए बी। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, बी सी। देखिए x1 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 9 + 9 √18, तो ये भी आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। ठीक है, अब आ जाऊँ नेक्स्ट सी डी। सी डी में ये x1 y1 x2 y2, 9 - 6 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गई। चौथे भी निकाल लो, ए डी x2 - x1 6 - 3 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर, 4 डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई।
अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल। चारों डिस्टेंस इक्वल आ गई, 3√2 3√2 3√2 3√2। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल। देखो डायगोनल निकालना है हमें, डायगोनल नौ, नौ डायगोनल, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, एसी निकालो, एसी x1 y1 x2 y2, 9 − 3 2 − 4 − 4 2, 6 2 0 2, 36 + 0 यानी कि √36, यानी कि 6 यूनिट्स। तो पहला डायगोनल कितना है, 6। अगर दूसरा भी 6 आता है तभी जाके वो स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं। अब निकालो BD, x1 y1 x2 y2, x1 − x2 2, y1 − y2 2। ठीक है, तो देखो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, सिंस, सिंस करके लिखना लास्ट में। चलो मैं लिख ही देता हूँ लास्ट में जो लिखना है, यहाँ लिखोगे ऐसे, सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, किसके इक्वल है, 3√2 के, एंड ए सी इक्वल टू बी डी वो कितना है, 6, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, एंड में आपको ये लिख देना है, ये सब कैलकुलेशन करने के बाद। क्लियर आया समझ में? ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या बोला है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म्ड, किस टाइप का क्वाड्रेटल बनता है। देखो 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, इट डजेंट मीन कि वो स्क्वायर ही होगा, मतलब क्वाड्रेटल ही बनेगा, इट डजेंट मीन कि वो क्वाड्रेटल ही बनेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे बोला भी है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके पास 4 पॉइंट्स है, इट डजेंट मीन कि वो क्वाड्रेटल ही होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दे, चलो यहाँ पर एक पॉइंट है, 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 इसे मीट करोगे तो एक क्वाड्रेटल बनेगा, मैं मानता हूँ। ठीक है भाई, ये क्वाड्रेटल है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मेरा पॉइंट है, यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है, यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है और यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है, 4 पॉइंट्स को मैंने मीट किया, तो क्या ये क्वाड्रेटल बना, बना क्वाड्रेटल नहीं बना। तभी क्वेश्चन में बोला इफ़ एनी, तो जाके आपको बताना है। देखो जो क्वेश्चन हमने 5th किया ना, ए बी सी डी हमारे पास पॉइंट्स थे, सो आप 6th का जो पार्ट 1 है उसे भी आप आराम से कर सकते हैं, आंसर इसका स्क्वायर है। जो कैलकुलेशन हमने इस क्वेश्चन में अभी किया है इसमें भी वही करना है, बस पॉइंट्स बदल दिए गए हैं। फर्दर प्रोसीजर जैसे अभी ऊपर किया था वही प्रोसीजर आपको इस क्वेश्चन में भी करना, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, कर लोगे आप? ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और इस 3rd वाले को भी मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को हम कर रहे हैं बार बार, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, थोड़ा बोरियत सी भी लगने लगता है। तो 1st वाला तो स्क्वायर आएगा आंसर, अभी जैसे अभी क्वेश्चन किया था ना वैसे ही करना है बिल्कुल। 3rd वाले का मैं बता देता हूँ, 3rd वाले में आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर इसमें क्या आएगा देखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है ना। क्वेश्चन में ए आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 4.5, बी दे रखा है 7.6, 4.3 और यह है 1.2। 4 डिस्टेंस निकालना, इन चारों में से ना कोई 2 इक्वल आ जाएगा, सिर्फ 2 इक्वल आएगा, यह और ये डिफरेंट आएंगे। ठीक है, जब
डिस्टेंस निकालो क्वाड्रेंट में, फोर डिस्टेंस में से अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं ठीक है, तो क्या होता है पैरेललोग्राम। देखता हूँ इसका आंसर क्या है। 7.1, हाँ दो डिस्टेंस इक्वल होने पर क्या होता है पैरेललोग्राम। देखो ये थर्ड वाले का आंसर क्या है, पैरेललोग्राम, एंड सेकंड वाले का आंसर है नो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बनेगा नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा। तो जब दो डिस्टेंस इक्वल आएगी ना, इफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल देन इट इज मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, आप निकालोगे ना ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, तो इनमें से कोई दो डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा, सो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के आप कर लोगे आई एम श्योर। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पे कि भाई ये क्वाड्रेटल क्यों नहीं है। क्वाड्रेटल क्यों नहीं है, क्योंकि ये कोलिनियर है, इसके जो तीन पॉइंट्स हैं ना वो कोलिनियर बन जा रहे हैं, इसी वजह से ही भाई ये क्वाड्रेटल बन ही नहीं सकता। देखो कैसे, चार पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट में से कोई सा भी तीन पॉइंट अगर कोलिनियर की प्रॉपर्टी का होल्ड कर देगा ना तो क्वाड्रेटल बनेगा ही नहीं। ये 6 का सेकंड है, लेट पी पॉइंट हमारे पास है माइनस के 3.5, क्यू पॉइंट हमारे पास है 3.1, पी क्यू आर, आर पॉइंट हमारे पास है 0.3 और एच पॉइंट हमें दे रखा है -1, -4। अगर इनमें से कोई भी तीन कोलिनियर की प्रॉपर्टी का होल्ड कर देगा ना तो ये क्या नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा आपका क्वाड्रेटल। सिंपल सा रूल, इफ थ्री पॉइंट्स, इफ एनी थ्री पॉइंट्स होल्ड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कोलिनियर देन इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटल। जब भाई क्वाड्रेटल ही नहीं बनेगा तो मैं उसका नेचर कैसे बता पाऊंगा ना। सो आंसर में क्या लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, नो क्वाड्रेटल, क्योंकि क्वाड्रेटल बनेगा ही नहीं, और इनमें से देखना कोई सा भी तीन पॉइंट ना कोलिनियर की प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा। किसकी प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा, कोलिनियर की प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा। ठीक है, सो मैं आपको पहला डिस्टेंस निकालता हूँ पी और क्यू, चार पॉइंट हमारे पास है ना, पी क्यू निकालता हूँ। फॉर्मूला बताइए आपको, x2 माइनस के x1, ये x2 माइनस के x1, माइनस है 3 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, y2 माइनस के y1। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 36 16, तो ये यहाँ से कितना आ गया, 52। ठीक है, 52 आ गया, कितना होता है 13 चौके 52, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 13 अंदर, तो 2√13 हो गया पी क्यू। अब मैं निकाल लूँगा क्यू आर, क्यू आर देखो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 यानी कि √13। यूनिट्स चाहो तो लिख दो, ठीक है, क्यू आर भी निकाल दिया। अब मैं क्या निकालूंगा, आर पी, क्योंकि ये तीन जो पॉइंट्स हैं ना ये देखना कोलिनियर हो जाएंगे। अब मैं निकालूंगा आर पी, आर पी निकालो, तो जब आर पी निकालूंगा x1 y1 x2 y2, ठीक है ना,
तो ये एक्स वन वाई वन है, एक्स टू वाई टू है, तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स टू माइनस के एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस के वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस थ्री का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, नाइन प्लस फोर, ये भी आ गया रूट थर्टीन। अब मैं और डिस्टेंस नहीं निकालूंगा, मैंने जब ये तीन डिस्टेंस निकाला तो मेरे को पता लग गया ये तो भाई कॉलिनियर को सो होल्ड कर रहे हैं। अगर ये तीन पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएंगे तो क्वाड्रेटल तो बनेगा ही नहीं, मेरे को यही साइड लग गया। तो अब मैं वही रीज़न दे दूंगा, सिंस रूट थर्टीन प्लस रूट थर्टीन इज इक्वल टू टू रूट थर्टीन, सेम टाइप के ऐड होते हैं, सेम टाइप के माइनस होते हैं ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखो आर पी प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो ये जो तीन पॉइंट हैं पी क्यू आर वो एक ही लाइन पे आ जा रहे हैं, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है। सिंस पी क्यू आर आर कोलिनियर, और एक चौथा पॉइंट यहाँ कहीं होगा तो ये क्वाड्रेटल बनेगा ही नहीं, पी क्यू आर कोलिनियर, देयरफोर इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। आंसर आया समझ भाई, क्लियर, ऐसे करना है आपको तो ये क्वेश्चन भी आपको आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहे फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमें फाइंड करना है, एक्स एक्सिस गिवन है यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। इक्विडिस्टेंस का मतलब उस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर रखे हैं। सो देखो फॉर एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो लेट पॉइंट बी पी। एक्स एक्सिस के लिए एक्स तो आएगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, मान लिया कि जो वो पॉइंट है जिसे हमें फाइंड करना है वो ये है पी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो पॉइंट आपको गिवन है, एक पॉइंट ए मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच वाला जो पॉइंट है वो है एक्स कॉमा जीरो, और यही फाइंड करना है। ए हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टू कॉमा माइनस फाइव, और बी हमें दे रखा है माइनस टू कॉमा नाइन। ठीक है, ये और ये हमें गिवन है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट जो ये इसके बीचों बीच आएगा, इक्विडिस्टेंस बोल रहे हैं। इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है ए पी के बीच की डिस्टेंस पी बी की डिस्टेंस आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, फॉर इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंस के लिए क्या होता है भाई, ए पी मस्ट बी इक्वल टू पी बी, और ये चीज़ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी। ठीक है, इधर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इधर लगा दूंगा एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। ये और ये फॉर्मूला सेम होता है, कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई, पहली बात तो यह है, स्टार्टिंग पे ही बता चुका हूँ। तो इसमें लगाऊंगा मैं ए पी के लिए, ये एक्स वन है, ये वाई वन, एक्स टू ये वाई टू, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जीरो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब पी बी में लगाऊंगा, ये एक्स वन है, ये वाई वन, एक्स टू है, ये वाई टू, एक्स वन है एक्स, एक्स टू है माइनस टू, तो ये प्लस के टू हो जाएगा, वाई वन है ज़ीरो, वाई टू है नाइन। ठीक है, दोनों तरफ रूट है, रूट रहेगा तो हल ही नहीं कर पाएंगे हम, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे, 0 + 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 0 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस का 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 81, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस आ जाते हैं। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ लगाते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, इधर भी लगाओ a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab प्लस 81। देखो इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम चीज होता है, सेम चीज़ मतलब प्लस का है तो प्लस का इधर भी होना चाहिए, तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट, इससे ये एलिमिनेट, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस के 4x + 25 प्लस के 4x 2 × 4 + 81। इससे ये एलिमिनेट नहीं हो सकता है क्योंकि प्लस का है ये माइनस का है, तो एक तरफ लाओ ये प्लस के दरा के माइनस का होगा, ये माइनस के दरा के प्लस का होगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, माइनस के 56, 8x मल्टीप्लाई में रख डिवाइड में होगा, 8 7 जा, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 7। सो पॉइंट हमने लेट किया था x, 0, एक्स की वैल्यू ही -7, 0, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट गिवन है। ठीक है, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है ये, हमें एक पॉइंट पी गिवन है जो कि है 2, 3 -3, और क्यू पॉइंट हमें गिवन है 10, y, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितना दे रखा है, 10 यूनिट। ठीक है, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में गिवन, x1, y1, x2, y2 गिवन, पी क्यू हमें क्या दे रखा है, 10, एक दे रखा है ना, पी क्यू का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, रूट x2 10, x1 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस स्क्वायर। अब देखो इस तरफ रूट है, जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सो आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो यहाँ से रूट हट जाएगा, 10 - 2, 8 का स्क्वायर, 5 + 3 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, y² + 9, यस +64, 2 × 3 = 6, 100 ऐड करोगे तो 73, प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100, ठीक। अब वाई स्क्वायर है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करनी है 27 से, ऐसे दो नंबर सोचने हमें जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 27 आता हो और माइनस करें तो 6 आता हो, 9 और 3, 9 × 3 = 27, 9 - 3 = 6, तो 9y - 3y
पहला पैर, दूसरा पैर, इस पैर से क्या हो कॉमन है वाई। कॉमन का मतलब एटलीस्ट जिसका डिवाइड दोनों में हो सके। तो वाई स्क्वायर से वाई बाहर आ गया तो वाई बचेगा, ये वाई बाहर है तो यहाँ से नाइन बचेगा, थ्री वाई बचेगा, बाहर नेगेटिव है तो साइन अंदर का चेंज हो जाएगा, थ्री नाइन से 27। ये और ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल आ रहे हैं। जो दो बार है उसे एक बार लिखो, और जो आपने कॉमन निकाला उसका दूसरे ब्रैकेट में लिखो फैक्टर बनाने के लिए। इफ़ वाई प्लस नाइन इक्वल टू ज़ीरो तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के नाइन। पहला आंसर। इफ़ वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, माइनस का थ्री इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के थ्री। दूसरा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया आंसर, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पिछले वीडियो में जब मैंने बनाया था इसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, सो इसको वो अब इसमें शायद दूर हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, इफ़ क्यू आपके पास 0.1 है, इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये वाला पॉइंट है क्यू, जो कि इक्वल डिस्टेंस है पी और आर से, तो हमें वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, और क्या फाइंड करना है, क्यू आर के डिस्टेंस और पी आर के डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ करना मैं उस बार भूल गया था, ठीक है, आंख नज़र हट गई थी तो मैं करना भूल गया था। अब देखिए, नाइन्थ प्रॉब्लम है, आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, -k3, दूसरा पॉइंट आर आपका गिवन है वो है x, 6, इसके बीचों बीच एक पॉइंट गिवन है वो है क्यू 0.1, ठीक है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है, इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जब आप एक्स फाइंड कर लोगे तो आपको क्यू आर निकालना है, और उसके बाद बोला है पी आर भी निकालना है, ठीक है, ये दो चीज़ भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या बोले हैं, फॉर इक्वल डिस्टेंस देखो हमारे लिए क्या है, कि ये जो पी क्यू है किसके इक्वल है, क्यू आर के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पी क्यू डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक। अब क्यू आर में भी वही लगाना है, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखें क्या आ जाएगा, 5 - 0 फाइव का स्क्वायर, माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ रूट है, रूट जब तक रहेगा तब तक काम बिगाड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से आ जाएगा 25, स्क्वायर तो हटेगा, सॉल्व भी कर ले रहा हूँ, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से 25, कैंसिल दोनों तरफ, सेम है, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 16, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4, ठीक है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आप यहाँ पे जब रखोगे, यहाँ पर तो ये एक्चुअली एक पॉइंट ना होकर दो पॉइंट होगा, कैसे दो पॉइंट हो जाएंगे, एक होगा 4.6 और एक होगा -4.6, तो दो केस बनेंगे, ये केस वन और ये आ जाएगा केस टू। केस वन के लिए भी आपको दोनों चीज़ फाइंड करनी है, केस टू के लिए भी आपको दोनों चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है गाइस। केस वन, व्हेन आर कह रहता हूँ +4.6, ठीक है, सो हमें क्या निकालना, सबसे पहले क्यू आर, ये मेरा पॉइंट आर, तो एक्स
ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जीरो माइनस फोर का स्क्वायर, वन माइनस सिक्स का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव रूट फोर्टी वन. आंसर रूट फोर्टी वन. एंड सेकेंड केस में देखो, यहाँ से हमें निकालना है पी आर, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक, फाइव माइनस फोर वन का स्क्वायर, माइनस नाइन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, नाइन का स्क्वायर होता है एटी वन, सो एटी टू यूनिट्स. ये केस वन में आंसर आया, ठीक. अब आ जाओ केस टू, वेन आर माइनस फोर कोमा सिक्स. तो सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. तो पहले वाले में हमें क्या फाइंड करना था, क्यू आर. केस टू में क्यू आर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ज़ीरो प्लस फोर फोर का स्क्वायर, माइनस फाइव का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव यानी कि रूट फोर्टी वन, ठीक. एंड नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, पी आर. पी आर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, नाइन का स्क्वायर माइनस नाइन का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एट्टी वन प्लस एट्टी वन, तो वन सिक्सटी टू. तो इसको लिख सकते हैं हम एट्टी वन इंटू टू, नाइन रूट टू यूनिट्स. सब में यूनिट्स लिख देना, ये आ जाएगा आंसर, ठीक. आराम से हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है. तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया, ठीक. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट क्वेश्चन में. देखिए, सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं. बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो कि बहुत ही सस्ता है. अभी 2021 में इसकी प्राइस 500 रुपीज़ है एक साल, क्योंकि इस एक ही बार पेमेंट करनी होती है, ठीक है. टाइम के अकॉर्डिंग ये पेमेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन जब भी ये होगा, ये बहुत ही चीप एंड बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट आज के इतनी महंगाई के टाइम में. मैंने एजुकेशन को थोड़ा सा, ये जो मैं फीस रखता हूँ ना, वो एक्चुअली एक फाइनेंशियल सपोर्ट है आपका मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ, फुल आप पे डिपेंड हूँ. आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मैं इतना आगे बढ़ा हूँ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. थोड़ा सा और सपोर्ट करेंगे, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा ये हो जाता है, थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है मेरी और मेरी फैमिली की. 10 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस. इन दोनों पॉइंटों के बीच में ये पॉइंट रखा पड़ा है और ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा वो हमें बताना है. यानी कि क्वेश्चन में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग में अगर आपको फिगर बना के दिखाऊं, दो पॉइंट आपको गिवन है पी, एक है थ्री कॉमा सिक्स, दूसरा है क्यू, और इसके बीचों बीच जो पॉइंट है वो मान लेते हैं ए, वो है एक्स कॉमा वाई, इक्वल डिस्टेंस पर रखा है. तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी किसके इक्वल है, ए क्यू के. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लगाना है ए और पी, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर,
यंग एक्स वन माइनस प्लस हो जाएगा एक्स एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी मैंने फॉर्मूला तो आपको लिखा ही था, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, और यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। लगाते हैं फॉर्मूला, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, फिर इधर लगेगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, फिर यहाँ a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस है तो प्लस लगता है 2ab, फिर यहाँ पर a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab। सेम चीज़ दोनों तरफ कट जाते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल, सेम होगा तभी कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बचा माइनस के 6x प्लस 36 माइनस के 12y, 6 × 12y, यहाँ से 6x प्लस 16, 4 × 8y, उठा के एक तरफ लाओ, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 6x 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 12x 8y, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4y, 36 प्लस 16 माइनस के 20, 4 कॉमन है, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 4, मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 4 और 0/4 0 होता है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी हमारी हो गई। डिस्क्रिप्शन एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, एंड साइंस भी कंप्लीट हो गई होगी अब तक तो उसको भी ज़रूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़रूर शेयर जगह करना हर जगह। जय हिंद।